फोकस शब्द क्या है और इसकी ताकत क्या है? सामूहिक गुणात्मक ऊर्जा का संचार। इन शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सामूहिक गुणात्मक ऊर्जा का संचार, सबकी ऊर्जा और वह भी गुणात्मक, मतलब 1 और 1 11, 1 और 1 2 नहीं, 1 और 11, इतनी ऊर्जा का संचार से फोकस होता है। थोड़ा और डिटेल में हम जाएंगे तो सभी तक वह विषय पहुंचाया जाए, यानी पूरे आरसीएम परिवार के हर सक्रिय साथी को पता हो कि इस विषय पर फोकस सप्ताह है। तो हमें तो पता ही इस सप्ताह क्या सब्जेक्ट है, तो आरसीएम परिवार के एक एक साथी को पता हो, अभी है क्या, अगर नहीं है तो ये पता होगा तो फोकस सप्ताह कहलाएगा, नहीं तो ये नहीं कहलाएगा। तो हर साथी की जिम्मेदारी है कि इसको बात को पहुंचाए निस्वार्थ भाव से, फोकस सप्ताह को सफल बनाना है। ये मान लीजिए कि हमें कोई चुनौती दी जा रही, कोई चैलेंज दिया जा रहा है, कोई टारगेट दिया जा रहा है, कोई राष्ट्रहित का कोई बड़ा ऐसा उद्देश्य दिया जा रहा है, तब कैसे करेंगे? उस तरह से इस काम को कीजिए, एक एक साथी तक इस बात को पहुंचाइए। केवल अपन छोटा मोटा कुछ कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, सबको उस विषय का स्पष्ट ज्ञान हो, आधा अधूरा ज्ञान ना हो, पूरा क्लियर होना चाहिए कि जो प्लान बताने का नया तरीका क्या है और उस विषय पे फोकस है। कोई क्या समझ रहा है, कोई क्या समझ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से, अच्छी तरह से, एकदम स्पष्ट हो कि विषय क्या है। तीसरा, सब उस विषय की महत्वता को समझ रहे हो कि विषय तो यह है कि नए तरीके से अब प्लान दिखाने सबको, लेकिन इसका कितना महत्व है, कितना महत्व है, ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे सकता है, इसलिए इस पे फोकस करना चाहिए। ये महत्व तो भी भीतर पता होना चाहिए। चौथा, सबको विषय का मकसद पता हो। एक तो हो गया महत्व, दूसरा मकसद सबको पता हो कि क्यों किया जा रहा है, कि बड़ी क्रांति करनी है, क्या उद्देश्य, मकसद पे अपन आगे और बात करेंगे। सब में जिम्मेदारी का भाव हो और हर साथी पूर्ण जिम्मेदार रहे कि नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी, मैं इस बात को संभालूंगा, मुझे क्या करना है, मैं संभालूंगा, जुट जाए उस काम में। सब सामान्य से ज्यादा उत्साह और सघनता से कार्य करने के लिए तैयार हो। ये फोकस का मतलब बहुत क्लियर है कि जो सामान्य तरीके से जो रोज प्रतिदिन हम काम करते हैं, उससे कई गुना उत्साह होना चाहिए हमारे भीतर, और बहुत डेंसिटी सघनता से, कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़े, कुछ भी जो भी उसके लिए करना हो सब कुछ कर डाले अच्छी तरह से। सातवां, सभी एक साथ उसी विषय पर कार्य करें, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है ऐसा नहीं, सब करें, पूरा आरसीएम परिवार आपस में चर्चा करके उस विषय के श्रेष्ठतम परिणामों के रास्तों की खोज करें। रास्ता तो मिल गया कि ये काम है, उद्देश्य ये है, ये कार्य है, पर उस कार्य को करते हुए श्रेष्ठतम परिणाम कैसे ला सकते हैं, इस पे काफी चर्चा, एनालिसिस और उस पे सोचा जाए क्या क्या कर सकते हैं, कि हम ग्रुप के ग्रुप ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हमें ना नहीं मिले, क्या कर सकते हैं कि तुरंत सक्रिय हो जाए, क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसे बहुत सारे विषयों पे चिंतन मनन चर्चा करके उनको रास्ते निकाले जाए। फिर अपनी ओर से अतिरिक्त को शामिल करें, ये अतिरिक्त वाला जो शब्द है, ये उन साथियों को तो समझ में आ रहा होगा जो कार्यशाला में निरंतर आते हैं, पर बाकी को हो सकता है समझ में नहीं आ रही लाइन, पर ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है अतिरिक्त। ये जैसे विषय मिल गया, उसका सब्जेक्ट, उसका मेंटर, सब कुछ मिल गया, लेकिन और क्या एक्स्ट्रा करें कि ये जितना बताया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट पाया जा सकता है। ये सबका अपना अपना और अपनी स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अतिरिक्त कुछ न कुछ ऐसा करें कि जो सब देखते रह जाए कि क्या हुआ, ये तो सोचा ही नहीं, उस विषय के माध्यम से बड़े परिणाम लाए, परिणाम तक ले जाना उसको। और नेक्स्ट है, पूरे आसिम परिवार में उस विषय को लेकर जबरदस्त माहौल हो और बेहतर परिणाम लाने की प्रतिस्पर्धा हो। माहौल खतरनाक, जब देखो कोई बात कर रहा है उसी की बात चर्चा हो रही है, उस पे एक दूसरे से होड़ मची हुई है कि मैं ज्यादा रिजल्ट आऊंगा, मैं ज्यादा, देखो उसके वहां ऐसा हो रहा है, अपन ऐसा करते हैं, ये करते हैं, ऐसा। तो अभी जो फोकस है प्लान बताने के नए तरीके का फोकस भी गए, नया जो तरीका है उस पे फोकस करके उसमें ये सारी चीजें हमें करनी है, ये हमको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसका मकसद क्या है, ये भी हम थोड़ा और समझ लेते हैं। इसका मकसद है कि सबका बेहतर अभ्यास और तैयारी हो जाए। अभी किसी को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, कोई पुराने तरीके से बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो सबका एक समान अभ्यास हो जाए, सारी तैयारी हो जाए। दूसरा, पूरे देश में एक जैसा प्रस्तुतिकरण हो जाए, एक ही भाषा में बात करें, तो
इससे बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। एक तरह से प्लान दिखाने लग जाए सभी साथी, कोई से साथी हो। तीसरा है सभी में नए जोश व विश्वास की वृद्धि। ये जो नया तरीका है ना, ये अपने आप में ही इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल है, उसमें गर्व निहित है, उसमें देश हित की भावना निहित है, उसमें राष्ट्रीय सोच निहित है। तो जब उसका विश्वासपूर्व प्रस्तुति करना आ जाता है तो एक नया जोश और विश्वास की वृद्धि होगी सब साथियों में। और बहुत ये जो बहुत जरूरी डोज हमारी ये कह सकते हैं वो हमें मिलेगी, ज्वाइनिंग की संख्या में वृद्धि, क्योंकि बहुत पावरफुल है, इसमें ना का कोई सवाल ही नहीं है। तो ज्वाइनिंग की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हो, ऐसा मकसद है इसका। सामूहिक व गुणात्मक ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग भी कैसी, ग्रुप के ग्रुप समूह 5, 10, 20, 18, 17, 16 ऐसे एक साथ ग्रुप के ग्रुप ज्वाइनिंग हो रहे हो, और ग्रुप से फिर नेक्स्ट ग्रुप 5 एक साथ जुड़े, 5 में से 5 जने फिर 5-5 के ग्रुप की ज्वाइनिंग करवा रहे हो। फिर ज्वाइनिंग सक्रियता दर में वृद्धि, ये जो ज्वाइनिंग होके और कंटिन्यू नहीं रहती खरीदी वो, क्योंकि इसमें बहुत सही तरीके से बताया जाता है, इसलिए इसमें ज्वाइनिंग दर में सक्रियता दर में वृद्धि हो जाए, सारे साथी सक्रिय करे, परचेज करे, आगे और काम करे, ग्रोथ का स्थायी आधार मिले। ये तरीका ऐसा है जो हमें स्थायी आधार दे सकता है, तो ये सब मकसद है इसके। प्रोडक्ट शेयरिंग में वृद्धि, क्योंकि इसमें अभियान के बारे में बताते हैं, स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो कोई साथी उस समय ज्वाइनिंग होता है, कोई प्रोडक्ट लेकर देखता है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट शेयरिंग में इसमें वृद्धि हो, ऐसा एक मकसद है। फिर नौवां पॉइंट है आरसीएम अभियान की सही पहचान होना, पूरे देश में ये सबको पता लगना चाहिए कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा अभियान है। अभी हमने क्या पहचान बना रखी है, कुछ गड़बड़ मिक्स कर रखा है कुछ, तो ये इसके सारे मकसद है, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं प्लान बताने के नए तरीके पर फोकस करने के लिए, अब हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सुझाव आपको। फोकस क्या होता है ये समझ में आ गया अच्छी तरह से, इस फोकस सप्ताह का मकसद क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अब हमें क्या क्या करना है ये और समझ लेते हैं। सभी सीनियर साथी अपनी टीम के सभी साथियों को फोकस सप्ताह के बारे में प्रेरित करें व इसका महत्व तो समझाएं, सब तक पहुंचाएं इस बात को, वो भी प्रेरणात्मक तरीके से, और इसका महत्व तो बताएं, एक एक साथी को पता हो, तो ये सीनियर साथी इसकी जिम्मेदारी लेंगे और पूरे देश में इसको फैलाएंगे। आरसीएम गुरुकुल का 13 अक्टूबर का वीडियो कैसे बताएं अभियान के बारे में देखना है, उसका अभ्यास करना है, विषय जानने के लिए कि क्या विषय है, अभ्यास तो अपने अपने तरीके से श्रेष्ठ तरीके से आप कर ही सकते हैं। तीसरा है प्लान बताने के नए तरीके का प्रिंट निकालना है। चौथा है इसके लिए आवश्यक सामग्री जैसे किताबें हैं, टूल्स है, स्वास्थ्य परिणामों के उदाहरण है, टेस्ट करवाने के लिए प्रोडक्ट्स है, अन्य कुछ प्रोडक्ट के सैंपल है, कुछ अच्छे वीडियो है आदि, ये सारी तैयारियां बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तैयारियां, कोई कमी नहीं रखनी किसी भी चीज। पुराने तरीके और नई तरीके के अंतर को पूरी तरह समझना है, ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु है जो सूक्ष्म में समझने का है। प्लान बताने का एक है हमारा पुराना तरीका, उसकी मैं चर्चा अभी नहीं करना चाहता हूँ, और वह नया तरीका जो अभी हम अभियान के बारे में और उसके मकसद के बारे में अच्छी तरह से बताते हैं, यह है नया तरीका। तो दोनों में क्या अंतर है इसको ठीक से समझ लें, और पूर्णतया नए को अपनाना, पुराने को मिक्स नहीं करना। अगर नए में पुराना मिक्स किया तो वह पुराना ही हो गया, वो नया रहा ही नहीं, नया बिल्कुल कंप्लीट है अपने आप, उसमें कुछ इधर उधर नहीं करना, छोटे मोटे शब्द आपकी भाषा में अलग हो सकते हैं पर जो है उसी पे रहना है। शब्दों का विशेष ध्यान रखना है, जो शब्दावली है कि जो बिजनेस शब्द इस्तेमाल नहीं करना या जो भी उसमें है, विशेष तौर से उन शब्दों का ध्यान रखना है। सभी सीनियर साथियों को, अपनी टीम के सभी सक्रिय साथियों को इसका प्रभावशाली सघनता से अभ्यास करवाना है, सबको एक एक साथी को, चाहे ज्ञान केंद्रों के माध्यम से, कोई और माध्यम से, सेंटर पे बुलाकर होम मीटिंग करके, जहां भी जैसे भी मौका लगे, जो भी तरीके हो, खूब अच्छा सबका अभ्यास कराया जाए सघनता से, एकदम जैसे मिलिट्री तैयार होती है, वैसे मिलिट्री तैयार होनी चाहिए सेना।
और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त को शामिल करना। ये जो है ये हम सबको समझना है कि क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ये जो बताया जा रहा है उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। कि मान लीजिए कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं परिणाम लाने के लिए, कि चलो हम कुछ बड़ा कोई संगठन है उस संगठन में कोई विशेष प्रोग्राम करके वहां बताते हैं, और बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारियां करके प्रोडक्ट के सैंपल भी कुछ और रेडी बनाते हैं, ऐसा अपना अपना कोई एग्जीबिशन लगा सकता है, कोई मेला लगा सकता है, कोई क्या वाट एवर। एक्स्ट्रा तो अपना ही होगा, एक्स्ट्रा बताया नहीं जा सकता है, पर ये अतिरिक्त में बड़ी पावर है। जैसे दुकान होती है ना मार्केट में, जो तो दुकान होती है उसका एक सीमा होती है कि हम उसका गेट है, पर हर दुकानदार क्या करता है थोड़ा सा बाहर निकाल के अपने सामानों की सजावट करता है, वहां दिखाता है, और उसी से उस दुकान का गेटअप आता है। अगर वो अंदर ही रखे तो उसकी दुकान पर ग्राहक ही नहीं आएगा, बाकी दुकानों पर ग्राहक कितने, है ना। एक्स्ट्रा फ्रूट वाले के पास जाएंगे तो वो कुछ एक्स्ट्रा अच्छे अच्छे फ्रूट जो है ऊपर लगा के रखता है। तो ये एग्जाम्पल है, लेकिन अतिरिक्त सोचिए थोड़ा अपने अपने अतिरिक्त साथियों के साथ मिलजुल कर, क्या एक्स्ट्रा क्या करें। ये तो नॉर्मल है जो सभी कर रहे हैं, पर अपना एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए। लगातार फॉलोअप रखना, इस विषय को छोड़ना नहीं है, फॉलोअप जबरदस्त रहना चाहिए, प्रभावशाली रहना चाहिए, और नेक्स्ट अभ्यास को परिणाम में परिवर्तित करना। विषय है प्लान बताने का नया तरीका, परिणाम क्या है, परिणाम है बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग, ग्रुप के ग्रुप ज्वाइनिंग और गुणात्मक ज्वाइनिंग द्वारा बड़ी ग्रोथ दिखे, ये है परिणाम। तो शुरुआत है अभ्यास रिजल्ट में है, मतलब उसका वॉल्यूम में ज्वाइनिंग की संख्या में परिणाम होना चाहिए। तो ये तैयारियां हम सबको करनी है।